थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 65 मल्टीप्लाई 39 अपॉन 56 ओके इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 39, क्योंकि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर 27 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 56। देखो यहाँ भी हो जाएगा 13 5 65, पहले मैंने इसी को कट कर लिया, 13 5 65, 13 3 39 ओके, और 28 1 28 28 2 56 होता है ओके। और देखो 2 1 2, अभी इसके बाद ये 5 1 5 5 2 10 हो गया 2 times पे, फिर 2 1 2 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा अब 3 1 3 3 9 27 ओके, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे आपका न्यूमरेटर हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ओके, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 9 हो जाएगा ओके। अब इसके बाद देखिएगा ये है आपका फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन सेकंड, 11 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 11 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15 ओके, ये डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 11 2 22 होता है, 11 1 11 ओके। अब इसके बाद 7 1 7 7 5 35 होता है, 5 times हो गया। अब देखिएगा 5 1 5 5 3 15 ओके, 2 1 2 2 8 16, तो न्यूमरेटर आपका हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 ओके, ये हो गया क्लियर। और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, आप चाहें तो राइट कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 अपॉन ओके ना, अपॉन ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 ना, तो ये आपका आ जाएगा 8 अपॉन 8 अपॉन 3, देखिएगा 3 2 6 और 2 रिमाइंडर बचेगा अपन 3 हो जाएगा 2 होल 2 अपॉन 3। इसके बाद बेटा यहाँ पर फिर 36 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 65 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 85 अपॉन 15 ओके, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 36 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 85 अपन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 17 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 52 ओके। अब देखिएगा 9 1 9 9 4 36 होता है और 17 1 17 17 5 85 होता है ओके। अब देखिएगा 13 4 13 4 52 13 5 65, अब देखो 4 1 4 ये कैंसिल हो गया, 4 1 4 ये कैंसिल हो गया ओके। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ओके, ये हमने तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 5 5 25, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, अब और भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 101, 7 4 28 28 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे 112 अपन ये 3 1 3 हो जाएगा, और 112 को 3 से डिवाइड कर देंगे 37 times जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा अपन 3, देयरफॉर 37 होल 1 अपन 3, यही आपका आंसर हो गया ओके बेटा, थैंक यू।